इंडिया वर्सेस हांगकांग के बीच खेला गया एशिया कप का शानदार रोमांचक चौथा G20 मुकाबला, जिसमें भारतीय टीम ने अपने सभी खिलाड़ियों के दम से इस मुकाबले में 40 रन से बड़ी जीत दर्ज करी और क्वालिफाइंग कर लिया है टॉप फोर यानी सुपर फोर के लिए। आप सभी को जानकारी दे दें कि इस तरीके से इस मुकाबले में सबकी नजरें भारतीय टीम पर इस वजह से थी क्योंकि भारतीय बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया जाना था, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ सभी एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ियों को मौका दिया गया था। इसमें हार्दिक पांड्या ने लास्ट में जो खूबसूरत छक्का लगाया था वो तो हमेशा के लिए यादगार रहेगा, लेकिन जिस तरीके से इस मुकाबले की बात हो रही है, इस मुकाबले की चर्चा हो रही थी कि कहीं हांगकांग की टीम खेलना बिगाड़ दे भारतीय टीम का, तो शुरुआत कुछ वैसी ही हुई थी भारतीय टीम की। अगर आपको जानकारी दे 12-13 ओवर तक तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर है, लेकिन अचानक से सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली की ताबड़तोड़ पारी ने मुकाबले का रुख ही पलट दिया। महज 45 गेंदों में इन दोनों बल्लेबाजों ने 98 रन की करीब पार्टनरशिप करी, जो हमेशा के लिए ऐतिहासिक पार्टनरशिप में दर्ज हो गई है। तो वही हांगकांग की टीम चेस करते करते भी 152 रन तक पहुंच चुकी थी। अगर लास्ट में सूर्य कुमार यादव रन नहीं बनाते तो यहां पर कह सकते हैं कहीं ना कहीं दिक्कत सबसे बड़ी ये होती कि किस तरीके से हांगकांग की टीम आसानी से रन चेस कर लेती। लेकिन ये बात साफ है कि किस तरीके से हांगकांग की टीम ने इस मुकाबले में बेहतरीन एक कह सकते हैं क्रिकेट का प्रदर्शन दिखाया, क्योंकि हांगकांग की टीम एक ऐसी टीम है जिसको ज़्यादातर प्रैक्टिस का मौका नहीं मिलता, जिसको ज़्यादातर इंटरनेशनल मुकाबले खेलने का मौका नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इस टीम ने भारतीय टीम के सामने जिस तरीके से जज्बा दिखाया वो काबिले तारीफ था। पूरे मैच का हाईलाइट देखें, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पा सके। फिर इंडिया वर्सेस हांगकांग के बीच शानदार मुकाबला दुबई इंटरनेशनल के मैदान पर खेला गया, जहां पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा तो सामने हांगकांग के कप्तान नज़ाकत खान थे। नज़ाकत खान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी का आमंत्रण दिया दुबई के मैदान पर। हांगकांग की प्लेइंग 11 थी नज़ाकत खान, यासीन मुर्तजा, बाबर हयात, किंचित शाह, एजाज खान, स्कॉट मैक्यून, जीशान अली, हारून अरशाद, एहसान खान, आयुष शुक्ला, मोहम्मद गजनाफर। तो इंडिया की प्लेइंग 11 में एक बड़ा बदलाव था, जहां पर हार्दिक पांड्या जो पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच थे उनको बेंच पर बिठाते हुए भारतीय टीम के बेस्ट विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को मौका दिया गया। जी हां, आपको बता दें कि ऋषभ पंत को आज मौका दिया गया, इसी के साथ साथ यहां पर तमाम बातें कही गई, लेकिन रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, दिनेश कार्तिक, भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान, युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह हमें प्लेइंग 11 में नजर आए। तो भारतीय टीम भी जबरदस्त थी। अब शुरुआत होती है भारतीय टीम की बल्लेबाजी से, यहां पर केएल राहुल और सामने होते हैं रोहित शर्मा, उनके दोनों बल्लेबाज मिलकर यहां पर बल्लेबाजी से अपना बल्ला कमाल दिखाना शुरू करते हैं और पहला विकेट जब गिरता है तब तक टीम इंडिया का स्कोर 38 रन हो जाता है। पांचवें ओवर की पांचवी गेंद तक रोहित शर्मा कप्तान के रूप में बड़ा झटका लगता है। 19 वर्षीय खिलाड़ी आयुष शुक्ला विकेट चटकाते हैं रोहित शर्मा का। 13 गेंदों में 21 रन बनाते हैं रोहित शर्मा, दो चौके छक्के की मदद से। सामने केएल राहुल धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे थे, इस वजह से रोहित शर्मा पर काफी दबाव आ गया था, लेकिन केएल राहुल ने भी जाते जाते 39 गेंदों में 36 रन दो छक्कों की मदद से मार दिए थे। 92 का स्ट्राइक रेट था उनके बीच। मोहम्मद गजनाफर ने यहाँ पर उनका विकेट चटकाया था और स्कॉट ने कैच पकड़े। जिस तरीके से विकेट चटकाया कह सकते हैं बहुत ही काबिले तारीफ था। केएल राहुल 36 रन बनाकर पवेलियन गए, तो इसके बाद आता है रनों का तूफान विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव। जी आपको बताते हैं अब एक ऐसा आंकड़ा जो सुनकर आप भी दंग हो जाएंगे। 12.6 यानी कि 13 ओवर तक 94 रन था टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। बचे थे 7 ओवर में भारतीय टीम क्या ही कर रही थी, 42 गेंदों में कितना स्कोर बना लेती, लेकिन 42 गेंदों में जो स्कोर बना वो करीब 98 रन बनते नजर आए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काबिले तारीफ कह सकते हैं रिकॉर्ड तोड़ पार्टनरशिप रही, नंबर 3 की कह सकते हैं पार्टनरशिप जिस तरीके से विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव के बीच रही। और सबसे खूबसूरत लम्हा वो था जब विराट कोहली झुककर सलाम करते नजर आए सूर्य कुमार यादव को। दरअसल सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में महज 26 गेंदों में 68 रन की पारी, 6 चौके 6 छक्के की मदद से खेली थी। 261 का स्ट्राइक रेट इस बीच उनका था, 261 मायने रखता ही है स्ट्राइक रेट। करीब 22 गेंदों में उन्होंने अपना 50 कंप्लीट भी कर लिया था। तो वहीं 44 गेंदों में 59 रन की पारी विराट कोहली ने 1 चौके 3 छक्के की मदद से खेली थी। 134 का स्ट्राइक रेट उनका था। और विराट कोहली जो अभी तक कह सकते हैं इस जब उनका 16वां G20 मुकाबला हुआ था इंटरनेशनल का, तो उनका कह सकते हैं एवरेज 49 पर आ चुका था, लेकिन अभी भी 49 पर ही है, लेकिन 49.9 है और ये धीरे धीरे
50 की ओर बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि आज के मुकाबले में 44 गेंदों में 59 रन की पारी, वो भी नाबाद पारी खेली, एक चौके 3 छक्के की बदौलत। 26 गेंदों में 58 रन सूर्य कुमार यादव ने 6 चौके 6 छक्के की मदद से मारे, यानी 60 रन तो इन्होंने बाउंड्री से बटोरे और 8 रन सिर्फ सिंगल डबल में। और लास्ट के ओवर में इन्होंने जो 4 छक्के मारे थे वो देखकर तो हर कोई दंग था, जिसकी वजह से स्कोर 192 दो विकेट के नुकसान पर पहुंचा भारतीय टीम का 20 ओवर की समाप्ति तक। और वहीं 3 ओवर में हरनूर अरशाद यानी 18 गेंदों में 53 रन जड़ दिए थे भारतीय बल्लेबाजों ने। सबसे किफायती गेंदबाजी करी यहाँ पर आयुष शुक्ला ने, 4 ओवर में 29 रन देकर एक विकेट चटकाई। रोहित शर्मा की तो मोहम्मद गजनाफर ने 2 ओवर में 19 रन देते हुए एक विकेट चटकाई केएल राहुल की। अब बारी थी हांगकांग के चेस की, यहां पर सूर्य कुमार यादव के तूफानी पारी की वजह से स्कोर इतना बड़ा खड़ा हो गया। हांगकांग चेस करने उतरी तो चेस करते करते यहां पर पहुंच चुकी थी 152 रन 5 विकेट के नुकसान पर और 40 रन से मुकाबला हारती नजर आई। लेकिन आज जो सबसे दिक्कत वाली बात रही वो आवेश खान और अर्शदीप सिंह के लिए रही। अर्शदीप और आवेश को हांगकांग के बल्लेबाजों ने इतने रन बरसाए जो कह सकते हैं इनके करियर का सबसे खराब बॉलिंग प्रदर्शन भी हो सकता है। नज़ाकत खान और यासीम मुर्तजा यानी कप्तान के साथ यासीम उतरे थे, लेकिन 9 गेंदों पर सिर्फ 9 रन यासीम बना पाए तो पहला विकेट उनका गिरा दूसरे ओवर की 6 गेंद पर और वो विकेट अर्शदीप सिंह ने चटकाया था, 2 चौके मारे थे यासीम ने। तो वहीं 12 गेंदों में 10 रन नज़ाकत खान भी बनाकर रनआउट हुए थे। रविंद्र जडेजा का वो रॉकेट थ्रो था जिसको देखकर पूरी दुनिया दंग है इस समय, क्योंकि रविंद्र जडेजा का जब थ्रो निकलता है तो वो रॉकेट थ्रो कहलाता है। 10 रन बनाकर नज़ाकत खान रन आउट हुए थे, तब तक टीम का स्कोर 51 रन 6 विकेट 6 ओवर तक था 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छा खासा स्कोर बन गया था, 36 गेंदों में 51 रन बन ही चुके थे। अब बारी यहाँ पर थी मिडिल ओवर की। बाबर हयात और किंचित शाह ने पार्टनरशिप बिल्ड करना शुरू करा 51 रन पर, जहां दूसरा झटका लगा था तो 74 रन पर तीसरा झटका 12वें ओवर की पहली गेंद पर आया बाबर हयात के रूप में। बाबर हयात ने इस मुकाबले 35 गेंदों में 41 रन 3 चौके 2 छक्के की मदद से 117 के स्ट्राइक रेट से बनाए थे। रविंद्र जडेजा ने इनका विकेट चटकाया था और कैच पकड़ी थी आवेश खान ने। तो वहीं दूसरी तरफ किंचित शाह की बात करें, किंचित शाह 28 गेंदों में 20 रन बनाते नजर आए 2 चौके 1 छक्के की बदौलत, 107 का इस बीच इनका स्ट्राइक रेट था। भुवनेश्वर कुमार ने विकेट चटकाया था, रवि बिश्नोई ने कैच पकड़ा था जो कि सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी थे। बहुत ही खूबसूरत वो कैच था, लगातार यहाँ पर कह सकते हैं प्रेशर था रवि बिश्नोई पर, बेंच पर बैठे हुए हैं और जब उनको फील्डिंग का मौका मिला तो कैच पकड़ते नजर आए, बहुत खूबसूरत वो नजारा था जब इन्होंने वो शानदार कैच पकड़ा। ये एजाज खान ने 13 गेंदों में 14 रन 2 चौके की मदद से मारे, लेकिन लास्ट में स्कॉट और जीशान अली ने कुछ रन बरसाए। 17 गेंदों पर 26 रन जीशान अली 2 चौके 1 छक्के की मदद से मारते नजर आए, तो स्कॉट ने 8 गेंदों पर 16 रन की पारी 2 चौके 1 छक्के की मदद से खेली। भारतीय टीम की गेंदबाजी की हम चर्चा कर रहे थे तो गेंदबाजी बहुत खराब रही। भुवनेश्वर ने तो अपना काम किया, 3 ओवर में 15 रन देकर एक विकेट चटकाया, तो हर्षदीप सिंह के 4 ओवर में 44 रन आए और एक विकेट उन्होंने चटकाया। रविंद्र जडेजा ने अपने 4 ओवर के स्पेल में 15 रन देते हुए एक विकेट चटकाया, लेकिन आवेश खान के 4 ओवर में 53 रन आए और एक विकेट ही चटका पाए, 4 ओवर में 53 रन। आवेश खान की अगर बात करें तो इनका T20 में इकोनॉमी रेट 8.72 का है, ये बहुत ही खराब इकोनॉमिक रेट कहा जा सकता है। अब आप यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार की बात कर लें तो भुवनेश्वर कुमार इतने लंबे समय से करीब इन्होंने 73 T20 मुकाबले खेले, लेकिन इनका इकोनॉमी रेट 6.92 का है, यानी करीब 7 का, और उनका 9 का इकोनॉमी रेट। इस हिसाब पता चलता है कि कितना अभी दिक्कत हो रहा है आवेश खान को गेंदबाजी में। और अर्शदीप सिंह के इकोनॉमी रेट की बात करें तो अर्शदीप सिंह ने तो 7 ही मुकाबले खेले, इकोनॉमी रेट उनका भी करीब 7 के आसपास ही है। तो इस तरीके से भारतीय गेंदबाजी लाइनअप बहुत खराब रही। एक एक विकेट रविंद्र जडेजा आवेश अर्शदीप और भुवनेश्वर को मिली। चहल ने अपने 4 ओवर में 18 रन दिए, तो एक कमाल और खूबसूरत नजारा मैदान पर यह था कि विराट कोहली ने एक तो अर्धशतक भी मारा, ऊपर से एक ओवर भी कराते नजर आए जिसमें एक ओवर में उनके सिर्फ 6 रन आए थे, कोई बाउंड्री नहीं आई थी। विराट कोहली ने गेंदबाजी करी, ये देखकर हर भारतीय फैंस काफी खुश था कि बल्ले से साथ साथ यहां पर गेंद से भी कमाल दिखाने के लिए पूर्व कप्तान उतरते नजर आए। इंडिया टीम 40 रन से मुकाबला जीती। अब बात करें ग्रुप के स्टेज के मुकाबले की, किस तरीके से यहाँ पर एशिया कप में अभी तक का हाल है और किस तरीके से यहाँ पर बाकी टीमें नजर आ रही है, किस पोजीशन पर भारतीय टीम सबसे ऊपर नजर आ रही है। नो डाउट टीम ए में यहाँ पर भारतीय टीम सबसे ऊपर है और टीम बी में अफगानिस्तान क्वालिफाई कर चुकी है सुपर फोर के लिए। अगर अगला मुकाबला पाकिस्तान की टीम हांगकांग से हार जाती है तो हांगकांग वर्सेज इंडिया का होगा फिर मुकाबला, जो कि होगा फाइनल तक पहुंचने के लिए। और वहीं अगर पाकिस्तान जीत जाती है तो इंडिया पाकिस्तान आप सभी को फिर से दोबारा देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान के साथ कौन सी टीम खेलेगी ये भी कल तय हो जाएगा। बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच मुकाबला है, इसमें से जो मुकाबला जीतेगा वो अफगानिस्तान को चुनौती देता नजर आएगा सुपर फोर में।
किस तरीके से यहाँ पर आगे सुपर फोर के रूप मुकाबले देखने को मिलेंगे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दोबारा देखने को मिल सकता है। बस शर्त ये है कि यहाँ पर जीत हो जाए पाकिस्तान की हांगकांग के खिलाफ। बाकी भारतीय टीम तो क्वालिफाई कर चुकी है सुपर फोर के लिए और ग्रुप बी से कर चुकी अफगानिस्तान। आप एशिया कप के मुकाबले स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर लाइव देख सकते हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स की रिपोर्ट। और इस मुकाबले की बात करें तो इस मुकाबले में नो डाउट सुपर हीरो और सुपर प्लेयर ऑफ द मैच बने सूर्य कुमार यादव।